जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है 1.75 करोड़ यूरोप का देश दे रहा है आपको फ्री वीज़ा जहाँ पर मिलेगा आपको ओपन वर्क परमिट और जहाँ पर आपकी बीवी आपके साथ इस डिपेंडेंट जा सकती है और इवन की अंकल और आंटी भी आपको विजिट करने आ सकते हैं और बच्चों की पूरी एजुकेशन ये देश उठाएगा क्योंकि यहाँ पर एवरेज सैलरी है वो यूके और कैनेडा से भी दो गुना ज़्यादा है और इसके पड़ोसी देश यूके हैं बेल्जियम है जर्मनी है और यहाँ पर मेन भाषा डच और इंग्लिश बोली जाती है पर इस कंट्री की ब्यूटीफुल ये है एक कंट्री में इतना काम है आप सोच नहीं सकते ईवन की आप मैनुफैक्चर लेबर से हो और इवन कि आई से हो हेल्थ केयर से हो गेमिंग से हो सुपर मार्केट से हो यहाँ पर हर एक को जॉब मिलती है और इनका जो सारा वीज़ा खर्चा है वो यहाँ के एम्प्लॉयर उठाते हैं चाहे आप आर्ट फेल हो चाहे आपने बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री की है चलिए वेलकम करते हैं आपको मेरे वीडियो पर, पर आपने वीडियो देखो लाइक करके अपनी फ्री एंटी लैपटॉप दिवाली गिफ्ट में जरूर डालनी है वेलकम टू माय चैनल वन सेकेंड मेरा नाम है गैरी आपका मेरे चैनल गैरी बैग दिल से स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे हाई डिमांड जॉब्स इन नीदरलैंड एवरेज सैलरी इन नीदरलैंड व्हाट आर एक्सपेंसिव इन नीदरलैंड व्हाट आर टैन रिक्रूटमेंट एजेंट्स इन नीदरलैंड जो आपको घर बैठे जॉब देंगे जो आपसे एक पैसा लेंगे आपके इंप्लायर्स लेंगे टाइप्स ऑफ वन कॉमिटी नीदरलैंड प्रोसेसिंग एंड टाइम इन नीदरलैंड मैं आपको डेमो भी दूंगा सुपर मार्केट जॉब्स का तो आप डरना नहीं है इस फैमिली इज अलाउड टू वर्क ओवर एंड हाउ टैक्स सिस्टम इज देयर वाई द सैलरी इज वेरी हाई इन नीदरलैंड एज कंपेयर टू होल वर्ल्ड इस पर डिस्कस करेंगे पर आपने वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी फ्री एंट्री में से फिनलैंड जाना एक लड़का पिक किया जाए और गैर टू यूट्यूब चैनल साइड पर दिखाया जाए वहाँ से हमने एक लड़का पिक किया लास्ट वीडियो में और बहुत सारे के कमेंट आ रहे थे सर तीन चार दिन से वीडियो के व्यूज कम आ रहे हैं वो मेरी गलती नहीं हर यूट्यूबर कम आ रहे बिकॉज अलग्रिथम हैज बीन चेंज बाई यूट्यूब सो तो डॉम बी इट विल भी फिक्स वेरी सोन चलो शुरू करते आज का वीडियो सबसे डिस्कस करेंगे हाई डिमांड जॉब्स इन नीदरलैंड सबसे पहले क्या है सेल एसोसिएट कस्टमर सर्विस एसोसिएट वेयरहाउस ड्राइवर क्लीनर हाउस कीपिंग सुपर मार्केट जॉब के बाद आपको दिखेगा मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिस्ट, वेल्डर्स एंड ऑपरेटर्स की जो एवरेज सैलरी है अब उसके दिखाया भी जा रहा है वो चालीस यूरो से पचवंजा यूरो मतलब कि कोई आदमी मकैनिक यहां पर पचपन लाख रुपया कमाएगा और इवन की सुपर में भी आपकी जो सैलरी है तीस लाख से पैंतालीस लाख कौन आदमी तीस पैंतालीस इंडिया सुपर मार्केट देता है चाहे में काम करते हैं चाहे टेल पर करते हैं इसके अलावा है डिजाइनर कंस्ट्रक्शन साइट इंजीनियर इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर फैक्टर में बहुत सारी डिमांड है और रिटेल में ने बताया कैशियर की चेकआउट की है ना सेल्स एसोसिएट की और कैशियल जो सैलरी है वह पैंतीस से पचास हजार एनुअल है बल्कि पैंतीस लाख से पचास हज़ार मिलेगी और इसके अलावा नीदरलैंड में जो वैकेंसीज है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की है डिजिटल मार्केटिंग की है तो आ, और कंस्ट्रक्शन लेबर की है जिसमें प्लम्बर इलेक्ट्रिशियंस आते हैं हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में है जहाँ वेटर वेटरेस वाह अटेंडेंट शेफ की एवरेज सैलरी यहाँ पर मिलेगी पचपन लाख से लेकर पचहत्तर लाख रुपये और इसके अलावा केयर टेकर जो लोग नर्सिस है मिड वाइफ है अगर आप सलून का काम जाते हो यहाँ पर आपका तो लाइट एरिया काफी फेमस है अगर मसाज थेरेपिस्ट हो तो आप जो सैलरी है वो एक करोड़ होगी और मसाज थेरेपी मेन भी हो सकते हैं अगर आपको नेल आर्ट आता है पेडिकल मेडिकल करना जैसे मैं पेडिकल मेडिकल पैरों पर कराता हूँ या वैक्सिंग करनी आती है तो यहाँ पर आपकी चांदी को ये कंट्री है ही टोटली ब्यूटी के ऊपर है और यहाँ पर भी आपकी जो सैलरी है वो पचपन से एक करोड़ के रुपये ऊपर आएगी चलिए ये तो गया यहाँ पर जितनी एवरेज सैलरी क्या है अब डिस्कस सैलरी मिनिमम एंड पे वेजिस इन द नीदरलैंड जो मिनिमम सैलरी नीदरलैंड में है अगर आपकी तीस साल से पच्चीस साल से ज़्यादा है तो आपकी जो सैलरी है वो पैंतीस लाख रुपये होगी ठीक है अगर आपकी सैलरी पंद्रह से पच्चीस हज़ार है तो आपकी सैलरी पैंतीस लाख के करीब होगी अगर पच्चीस से पैंतालीस साल है तो आपकी सैलरी पैंतीस लाख मिनिमम होगी और अगर आपकी पैंतालीस से पैंसठ साल है तो आपकी जो सैलरी है वो चालीस लाख हो जो कि चालीस हज़ार यूरो है अगर पैन से ऊपर है फिर आपकी सैलरी तीस लाख के ऊपर होगी तो ये है सैलरी सैलरीज है जो आप उस एज ग्रुप के साथ दिखाया भी जा रहा है अगर आप उसके सैलरी के बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे ऊपर आता है आर्ट्स के आर्ट्स एंड अकेडमी जो बी के उनके अठारह सौ मंथली सैलरी होती है फिजियोथेरापी की दो हज़ार है लैंग्वेज़ की दो हज़ार पचास है अगर हम रिटेल मार्केट में काम करें कैशियर्सर मतलब वेयर हाउस ऑपरेटिव तो आप साल इक्कीस हज़ार पाँच सौ पचास रुपए जो कि रफली दो लाख से ऊपर है डिज़ाइनर्स की बाईस सौ है अकाउंटेंट्स की तेईस सौ यूरो है मैनेजमेंट की भी तेईस सौ है आर्टिफल इंटेलिजेंस की चौबीस सौ आईटी टी की सताईस सौ मेडिसिन की बत्तीस सौ और डेंटिसी सबसे ज़्यादा है वो है चार हज़ार जीरो जीरो तो गाय जी जो मिनिमम वेजेस है यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस वेजेजम कितनी चाहिए बीस साल के लोगों को मिनिमम मिलेंगे मिलेंगे यहाँ पर पंद्रह सौ छियानवे बल्कि डेढ़ लाख अगर आप बीस साल से निकम हो अगर इक्कीस साल से ऊपर हो तो आपको मिनिमम सैलरी एक जुलाई दो से मिलेगी दो तो यहाँ पर जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और मैंने आपको दिखा दिया है तो गाय ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है तो सबसे अब डिस्कस अब हम डिस्कस किया गया आई डिमांड जॉब्स इन नीदरलैंड हमने एवरेज सैलरी की अब एक्सपेंसि के बाद डिस्कस कर एक्सपेंसिव के बाद दिखाऊंगा आपको टैप रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सी है आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर स्किप कर आप मेन चीज भूल जाते हो एक्सपैनसिंग सबसे पहले आपका रहना जो कि मैंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड्स के साथ वो है दो यूरो सौ यूरो यूर। आपका मेन मेन रेंट होगा जब शेयरिंग के साथ करोगे फूड का लगा लो हंड्रेड बिल्स का लगा लो 50 पर मंथ और ट्रांसफर का लगा लो फिफ्टी मतलब कि आपके जो रेंट तो टोटल एवरेज राम पर रहने खर्च है शेयरिंग में आपका 400 आता है आप फिर लक्जरी नफजी हो खुद का रूम लोगे तो फिर आपका 600 पर मंथ आएगा जो मतलब कि अगर आप नफरी यहाँ पर तीन लाख कमा रहे हो तो चालीस हज़ार आपको देने ही पड़ेंगे और तो दो लाख साठ हज़ार आपकी जेब में आएगा टैक्स काटने के बाद तो ये तो आपके एक्सपेंसिव कितने हैं आप डिस्कस करते हैं कौन से रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो यहाँ पर सबसे पहले अटेक्को ए डीज अटैको मैंने पिछली बार दिखाया था फिर मैन पावर फिर कैल्शियम रिक्रूटमेंट फिर स्टाइल सर्च स्प्रिंग सर्च इंटरनेशनल डी आर बी सर्च प्रॉक्सिमा टेक्नोलॉजी कीनर ऑनलाइन स्टॉबलर्स एन टी ई स्टूडेंट्स आपको एडाको का कर पे दिखाया भी जा रहा है स्क्रीन पर साइड पर आपने वहाँ पर जा रहा है एक कॉन्टैक्ट उसमें दिखाया भी जाकर अपना सीवर दे रहा है सीवर बनवाने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं मेरे पास यूके का सॉफ्टवेयर और मैं नौ कंटे अप्लाई करता हूँ और मेरे वीज़ा सक्सेस रेट इतने आई है आपने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी देखा है तो आप व्हाट्सअप पर आकर मेरे से बात कर सकते हो मेरा नंबर चेंज हो चुका है और मेरा नया नंबर आपके सामने है आप यहाँ पर आ सकते हैं और सीवी डॉट गैरी पर आएंगे तो आपको सीवी हाफ प्राइस में मिलेगा पर फ्रॉड से में यहाँ पर बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है तो ये थी रिक्रूटमेंट एजेंसीज अब डिस्कस करते हैं नीदरलैंड में वर्क परमिट कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इन नीदरलैंड सिंगल परमिट हाई स्किल माइग्रेंट वर्क परमिट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो लोग यूनिवर्सिटी स्टडी करते हैं बिजनेस वर्क परमिट सिंगल परमिट वो परमिट होता है जब आप नीदरलैंड में आते हो और आपका एम्प्लॉयर आपको डच जो है अथॉरिटी से जिसको डच एंड नेशनल डिपार्टमेंट बोलते हैं आईएनडी से अप्रूवल लेता है कि हमें ये लड़का चाहिए इंडिया से पंजाब से और इसके लिए वो अप्रूव करता है कि उसको लोकल आदमी नहीं मिला है वहाँ से अप्रूवल लेने के बाद आप क्या करते हो आपको वर्क परमिट आपके घर आता है वर्क परमिट जब आपके घर में आता है आपको क्या करना है आपको वी का फॉर्म फिल करना है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है शैनगन का फिर आज यहाँ का रेजिडेंस कार्ड प्रोवाइड करोगे उसको डी फॉर्म बोलते हैं वो फॉर्म साइन करने आपको पासपिचर साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रही है फोटो कैसे लगनी है पासपोर्ट की फोटोग्राफी अगर आप पासपोर्ट पर्सनल डिटेल्स जहाँ पर आपका डेट ऑफ नाम होना चाहिए कॉपी ऑफ प्रीवियस पासवर्ड का पासवर्ड आपका है कोई कॉपी है आपके पास कोई वीज़ा किसी कंट्री के एशिया में मत जहाँ गलती मत कीजिए थाईलैंड में कोई फायदा नहीं उसकी कॉपी जाना है टर्की जाओ दुबई जाओ वहाँ घूमकर ट्रैवलिस्ट मिलना पर एशिया में जल सिंगापुर कोई फायदा नहीं है फिर आपको वहाँ पर कहाँ रहते हो आपका घर का एड्रेस आप आपकी ट्रैवल ट्रेंटी आप कहाँ रहोगे आप आपकी फ़्लाइट टिकट आपका अकोमोडेशन क्या आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है कि या आप किसी दोस्त रहने जा रहे हो आपकी रिटर्न टिकट होगी अगर टूरिस्ट वीजा पर जा रहे हो इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो दिखाएगी आप तीस हज़ार मेडिकल कवर हो आपके डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर से आपकी पे स्लिप लगेगी इंडिया से और आपका एच का और आपका अकाउंटेंट लेटर और बैंक स्टेटमेंट सिक्स मंथ की लगेगी अगर बिजनेस तो आपका अकाउंटेंट का लेटर लगेगा और आपकी आई टी लगेगी इकम टैक्स रिटर्न लगेगी और छः महीने की बैंक स्टेटमेंट लगेगी और आपने ये भी दिखाना है कि आपके अकाउंट में सफिशेंट फंड्स हैं जो कि रफली एक से दो लाख चाहिए तो ये तो हो गया आपको क्या फाइल सुनानी इसके लिए वर्क परमिट और इसके साथ साइड पर सारी जॉब साइट दिखाई जा रही है फॉर्स कर स्क्रीन शॉट ले लो वेबसाइट है लिंकडन है ग्लास डोर है read.co.uk आप इन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा एक और वीज़ा निकला पड़ा है वो तो है सिंगापुर में जो आप लोग हाई स्किल माइग्रेंट वीज़ा उसमें है कि ये लोग आपको हाई स्किल के लिए आप रहना खाना पीना सब देंगे और इसकी खूबसूरती बात यह है कि यहाँ पर जो सैलरी है बहुत अच्छी होगी इसके लिए क्या होगा इसके लिए जैसे हेल्थ केयर वर्कर है केयर टेकर है नर्स की जॉब तो नहीं मिलेगी बिकॉज आपके पास लाइसेंस नहीं है लेट me वेरी ऑनस्ट वी आर फैमिल हेयर हम फैमिल अगर बात करें अगर ठीक है ठीक है तो आपको हॉस्पिटल रहना खाना पीना पहले में उनका फ्री देगा फिर नीदरलैंड में वो आप पाँच साल हो गए अब बाकी नागर कर इसको होते हाई स्किल मार्गेंट वीज़ा हमारे सैलरी कितनी मिल रही है आपको तीस से ऊपर हो गए तो आपकी सैली पाँच हज़ार है पर मंथ अगर तीस से कम हो छत्तीस बहत्तर अगर यूरोपियन कार्ड है आपकी जो सैलरी रफली छः हज़ार यूरोप पर मंथ रूप में कहा था कि आप यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हो इसको ब्लू कार्ड बोलते हैं तो गाय इसके अलावा एक सीज़न वर्कर वीज़ा भी है तो सीज़न वर्कर वीज़ा है जहाँ पर आप सीजन में जाओगे सिक्स टू नाइन मंथ जिसका मैंने वीज़ा बहुत सारा वीडियो डाला भी हुआ है तो गाय सीजन वर्कर वीज़ा हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर वीज़ा हो गया हाई स्किल वर्कर वीज़ा हो गया हो गया सिंगल वर्क परमिट हो गया पर आपको मेन मिलेगा सिंगल वर्क परमिट जहाँ पर आप आ सकते हो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि प्रोसेस टाइम क्या है टेन डेज में लगकर आए और इसकी जो वीज़ा फीस है रफली हंड्रेड यूरो के पास जो रफली नौ से दस हज़ार रुपये इंड रुपीज़ में है क्या फैमिली आपके साथ आ सकती है जी हाँ आपकी फैमिली अलाउड है आपके साथ आ सकती है और फुल टाइम काम कर सकती है और इवन के बच्चों को स्टडी भी फ्री है आप डिस्कस करते हैं टैक्स सिस्टम क्या है टैक्स सिस्टम यहाँ पर फोर्टी है और ये शुरू होता है रफली एवरेज लोग जो पे करते हैं वो नाइनटीन पे करते हैं टैक्स सिस्टम तो गाय जितनी सारी आपके ऊपर बढ़ती जाएगी टैक्स सिस्टम आपका बढ़ता जाएगा तो गायज़ आप देख सकते हैं एक से चौंतीस हज़ार बहत्तर पर नाइन पॉइंट सेवन है चौंतीस सा हज़ार सात सौ तेरह से लेकर सिक्सटी एट यूरो में थर्टी सेवन पॉइंट थ्री फाइव है और सिक्सटी एट थाउजेंड यूरो के ऊपर आपका टैक्स फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट है तो गायस ये है टैक्स सिस्टम यहाँ नीदरलैंड का और पुलिस बहुत ही फ्रेंडली और घर भी यहाँ पर बहुत सस्ते हैं अब सुपर मार्केट कौन से नीदरलैंड में एल्बर्ट है जुम्बू है प्लस है लीडल है एल जी है डर्क है वो है और वो है तो ये है सारी वैकेंसीज़ सुपर जो आपके सामने है अब मैं आ रहा हूँ आपको लेकर जाकर करियर पेज पर डेमो दूँगा कि लीडल एक कंपनी है जहाँ पर सुपर मार्केट लीडल में आप अगर कर काम करना है आप सेल्स में काम करोगे स्टेंट सुपर मार्केट में करोगे वेयर हाउस में करोगे डिप्टी सुपर मैनेजर में करोगे सुपर मार्केट मैनेजर एरिया मैनेजर और उनके पीछे बैक ऑफ सपोर्ट में काम करोगे अगर आपको वेयरस में जॉब काम करना है और ये वैकेंसीज है नि, निकली बड़ी नीदरलैंड में इसके लिए आपको यहाँ पर ट्वेंटी वन थाउजेंड एम्प्लॉयज़ है इस इसके लीडर के और चार सौ चालीस ब्रांचेज हैं आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा हर ओवर टाइम मिलेगा पर आपकी एज अठारह साल से ऊपर होनी चाहिए अठारह से ऊपर है तो आपको नाइन पॉइंट सेवन सिक्स यूरो मिलेंगे अगर उन्नीस साल है तो दस यूरो के ग्यारह यूरो के बारह रुपये और बीस में तेरह पॉइंट सिक्स फाइव और इक्कीस में मिलेंगे प्लस में आपको सत्रह यूरोप पर इसमें आपको क्या मिलेगा डिस्काउंट बोनस आपको सर्च चार्जेस आपको हेल्थ वर्किंग एनवायरनमेंट और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो अगर इसकी जो अप्लाई करने के लिए आप अपलाइन ऑफर क्लिक करोगे जैसे आप अपलाइन ऑफ पर क्लिक करोगे गाइस आपका इस तरह का खुल जाएगा पेज पर इसके लिए आपको ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट इंग्लिश में करोगे ऐसे आप स्टार पर क्लिक करोगे और स्टार्ट करेंगे ने आप नेम सर ने ई मेल अपना फ़ोन नंबर डालकर अपना अकाउंट क्रिएट अपना सी वी एन का डेटर लोड कर दे सी वी एन का एड्रेस फिर भी बोला जाऊंगे आप मेरे पास आ सकते हैं और मेरे सी वी काट्रेस सबको जॉब मिल जाती है अगर आप एडमिन का काम लेना है सेम जॉब एडमिन के लिए वो टीम का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जहाँ आप एडमिन का काम करोगे और आप इस तरह इसको अप्लाई कर दोगे तो गाइज़ अगर आपको अप्लाई करना है आप क्लिक करोगे अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे और इस तरफ का करियर पेज नया खुल जाएगा मेक श्योर कीजिए कि आप सी बी और लेटर को देखिए ना मोल लोड करोगे और ई मेल फ़ोन पासवर्ड करके और अपना इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर दोगे और मेरे बहुत सारे बच्चों को लीडर में जॉब मिली पड़ी है और इसकी फोर हंड्रेड फोर्टी ब्रांचेज है और इक्कीस हज़ार लोगों को लिया है अगली चूडमंडल की मैं चलते हैं अगले स्टूडमेंट का नाम है एल डी एल डी में वगैरह से निकली पड़ी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन में स्टोर्स में और रीजन में तो जब मैंने क्लिक किया इनके ऊपर इनके ऊपर कौन सी फिफ्टी आ गई वेरोज वर्कर की ऑर्डर पिकर की है ना ड्राइवर की जिसकी भी नाम लोगे ड्राइवर के आप इस क्लिक कर सकते हैं मैंने वेरस वर्कर भी क्लिक किया लीडर ले रहा है वेरस वर्कर के लिए इसको अगेन क्या करना है आपको एक्रेटली कीप आई ऑन चाहिए आपको पार्ट को पिक करना है लेबल लगाना है डिस्पैच करना और फिजिकल आप फिट होने चाहिए लड़का लड़की दोनों जो आप कर सकते हैं और इस पर भी आप अप्लाई करने के लिए आप ऐसे अप्लाई पर क्लिक करोगे इसके अलावा और वैकेंसीज भी हैं वो है सेल्स एसोसिएट की अगर आप कैश कैशन काम दुबई में कर रहे हैं आपका मानना है चार लाख पर मंथ कमाने का तो ये वैकेंसी सेल्स आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं एक हज़ार में मेरी बात सीधी आपसे 24 फोर आवर्स में हो जाएगी और इससे आप फ्रॉड से बच भी जाओगे कोई बात करें तो इसके जो इसमें सेल्स में आपको क्या करना है सेल्स के लिए आपको क्या करना है पर करना है स्कैन करने है प्रोडक्ट्स को और स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है वीकेंड में काम करना है ओवर टाइम करना है और जो शेल्फिंग होती है उसको प्रॉपर्ली फिल करना है और कस्टमर कंप्लेट को डील करना है ये कोई भी आठ फे लड़का भी कर सकता है इसको सेल्स की कैशियर की जाओ सुपर मार्केट में इसके अलावा हम क्या सकते हैं ड्राइवर निकली पड़े अगर ड्राइवर अभी एल जी में काम करना चाहते हो आपको रिलायबल ड्राइवर चाहिए आपको फुल पार्ट टाइम वीकेंड में काम करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर काम करने के लिए आपका पुलिस सी चेक करेंगे पुलिस के सर्टिफिकेट ऐसे आप यहाँ पर अप्लाई नंबर क्लिक करोगे वो सेम ही सी के कर आप रजिस्टर करोगे और अप्लाई कर सकते हो ये थी सेकंड है सुपर जो आप लेकर इस तरह आप भी अप्लाई कर सकते हैं, है, हैं। बाकी अगर आप मेरे मेरे फेसबुक बात करना है मेरे फेसबुक का पेज गैरी यूके वाला है जहाँ पर आप आ सकते हैं फेसबुक पर और आकर हम उससे दोस्ती कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आपको विदेश में सेटल करने के लिए और मेरी मात्रा कास्ट पाँच हज़ार रुपये है पर गाइस अगर आपको यूरोप जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट जाना मेरे पास ब्रिटिश फाइव वाउचर है एक कमेंट करते जाए क्या पता आपका नाम सरदार जी था जैसे अफ्रीका मेरे साथ गए थे एशिया गए थे और कुछ बच्चे में सर मिडल ईस्ट के अब इस तरह के आप भी मिसर यूरोप जा सको आई लव यू वन स्टे सेफ़ एंड ब्लेस फॉर मी